देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 3,377 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 2.2% ज्यादा है। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,72,176 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 60 लोगों को कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,753 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,000 के पार हो गई है। फिलहाल देश भर में 17,801 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.04% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.74% दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 2,496 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 4,25,30,622 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में डेली पॉजिटिव रेट अब बढ़कर 0.71% हो गया है। वीकली पॉजिटिव रेट भी बढ़कर अब 0.63% हो गया है। अब तक देश में कुल 83.69 करोड़ सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 4,73,635 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।